हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और मैं यहाँ पर 32 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा और ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो उसी के हिसाब से आपको अपने साइज़ के हिसाब से मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ लेंगे। यहाँ पर टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है इसकी। तो जितनी भी लेंथ आप अपने ब्लाउज़ की तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। शोल्डर ये नॉर्मल रखने हैं हमें 6.5 इंच, 6.5 इंच 32 साइज़ में। इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे शोल्डर इन आर्म होल की। एक लाइन हमने यहाँ पर आर्म होल की ड्रॉ की है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेना है। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच और 1.5 इंच का लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन। मार्जिन आप 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर है 26 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे देंगे और 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन करेंगे। जब भी आप बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो 1/2 इंच आपको शोल्डर को डाउन करना है। तो अब हमने इसे कट कर लिया है अस्तर पर। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लूँगी। तो इसे मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 3.5 इंच। आप अगर चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं अगर आप ब्रॉड पहनते हैं तो। गले की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच। गले के ऊपर से जो लंबाई रखी है मैंने वो ली है 2.5 इंच पर। अब हम टोटल लेंथ लेंगे 10.5 इंच पर। 10.5 इंच पर टोटल लेंथ रखी है और नीचे से नेक विड्थ रखी है मैंने 4 इंच। तो ये जो गला है इसकी लंबाई और नीचे से जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए, हमें हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर ये शेप बनाना है इस तरीके से। अगर एक बार में बराबर नहीं आता है तो आप दोबारा से शेप दीजिएगा यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से गले का शेप हमने बना लिया है। इस तरीके से डिज़ाइन बनाने के बाद हमने यहाँ पर लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग से इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से खोल कर आपको कपड़े के ऊपर रख लेना है। कपड़े पर रखने के बाद आप यहाँ पर पिन लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए नीचे वाली जो मार्किंग है वो हमें ऊपर की तरफ भी दिख रही है। तो एज इट इज़ हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो गले का शेप है हम यहाँ पर एज इट इज़ इसे बना लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पेपर पेस्टिंग लगाने का। और इस तरीके के जब हम नेक बनाते हैं तो हमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना होता है। इससे गले में जो है फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपके पास नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर पलट सकते हैं। अब पेपर पेस्टिंग को हम खोल लेंगे और इसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ भी हम इस पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। तो यही मार्किंग हमने दूसरी तरफ से भी ले ली है। अब साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे मार्क करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने करना है इसे कट। तो इस तरीके से इसे कट करेंगे। ये देखिए, तो ये हमने कपड़े के ऊपर इसे प्रेस से चिपका लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा है। तो अब हम इसे साथ में अटैच करेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को आपको रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा है बाहर की तरफ उसे हमने कट करना है। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और चौक से यहाँ पर सेंटर मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ हमें एक छोटा कट लगाना है और चौक से यहाँ पर सेंटर मार्क करना है। नीचे भी एक छोटा कट मैंने लगा दिया है।
अब हमने यहाँ पर लेना है अपना पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट और इस पर लगानी है सिलाई। इस तरीके से हम कॉर्नर की एक सिलाई लगा देंगे ताकि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। और अब इसका भी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, बस उतना ही कपड़ा हमें रखना है जितना कि हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लेंगे पैटर्न को। इस तरीके से देखिए हमने ये फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। अब इसे जो गले का हमारा पैटर्न है इसे हम डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क करेंगे। अच्छे से देखिए हमें सेंटर से इसे डबल फोल्ड करना है और चौक से यहाँ पर सीधी सीधी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब हम इसे अटैच करेंगे ब्लाउज़ के ऊपर। तो ये जो हमारा गले का पैटर्न है इसका भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे। और अब हम सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ़ स्टिच यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। बीच में एक रफ़ स्टिच लगाने के बाद हम नेक के अकॉर्डिंग अब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई आपको जो हमने मार्किंग की हुई है उसी पर चलानी है। जो मार्किंग हमारी है उसी पे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। जैसा हमने गले का शेप बनाया है उसी तरीके से सिलाई यहाँ पर लगाते जाएंगे। तो ये जो सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिए क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए सारा ही फैब्रिक कट कर देंगे। सेंटर से ध्यान से कट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे कॉर्नर से। तो इस तरीके से सारे ही फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। अब हमने पूरे ही पैटर्न पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लगाने से जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। तो यहाँ पर पूरे ही पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट हमने लगाने हैं। और अब इस पैटर्न को हम पलट कर सीधा करेंगे। तो जो कॉर्नर है वहाँ पर आपको अच्छे से इसे बाहर की तरफ करना है और कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसके जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर पेचकस से निकाल रही हूँ, आप पेन से या फिर कैंची की नोक से भी निकाल सकते हैं। हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो जो कॉर्नर है वो अच्छे से बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब गले के पैटर्न को आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, हाथ से आप इस पर फिनिशिंग कर लें। प्रेस लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा पैटर्न आपका। ये देखिए अभी मैं यहाँ पर हाथ से ही फिनिशिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिनिशिंग करने के बाद हमने एक सिलाई इस पर लगानी है। आप सीधी तरफ से भी लगा सकते हैं या इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए जो गले की पट्टी है हमारी वो बाहर की तरफ सीधी तरफ नहीं दिखनी चाहिए, इसे पूरा आपको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। गला हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम इस पर प्लेट्स डालेंगे। तो सेंटर से थोड़ी दूरी पर आपको कपड़े को फोल्ड रखना है और 4 इंच 3.5 से 4 इंच की लंबाई में आप यहाँ पर प्लेट्स ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों ही तरफ प्लेट्स लगा ली हैं। और अब हम लगाएंगे नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी की चौड़ाई लगभग मैंने 1.5 इंच लिया है, उसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो ये गले का पैटर्न हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और अब हम इसे डबल फोल्ड करके अच्छे से रख लेंगे। और सेंटर से मैं इसे ओपन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये जो ब्लाउज़ बनाना है वो मेरा बैक ओपन पर रहेगा। अगर आपको बैक ओपन नहीं रखना है तो आप इसे सेंटर से कट ना करें। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी तैयार करनी है। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो मैं इस तरफ लगा रही हूँ हाई की पट्टी। तो देखिए इस तरीके से हमें नीचे की तरफ से कपड़े को रखना है और अब हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो दोनों तरफ से पहले मैंने इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है और अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
मैं मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी कट करनी है, तो पहले मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है, उसके बाद पट्टी को कट किया है। अब हम इसे इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। हाई की पट्टी मैंने यहाँ पर लगा दी है, अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को भी आपको डबल फोल्ड करके ही लेना है और इस तरीके से अटैच करना है। यहाँ पर एक सिलाई आपको इस तरफ करते हुए लगाना है पट्टी को, और दोनों तरफ से अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है। अब हम एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हाई हुक की पट्टी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर गोटे वाली लेस ली है ये, और लेस को हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरीके से। आप अपनी पसंद से और अपने ब्लाउज़ या साड़ी के कलर कॉम्बिनेशन में लेस को लगाइएगा। ये देखिए इस तरीके से लेस को अटैच करेंगे। यहाँ से लगाते हुए देखिए हमें इस तरफ से लेस को फोल्ड करना है, और इस तरफ से भी फोल्ड करते हुए नीचे कमर तक लेस को अटैच कर देना है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे लेस को। नेक के ऊपर लेस लगाकर मैंने देखी यहाँ पर इसे कंप्लीट कर दिया है, और अब हमें डोरी बनानी है ऊपर की तरफ। तो इसे पिन लगाकर हम साइड में रख लेंगे। ये लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 3.5 इंच की है। आप अपनी पसंद से ले सकते हैं इस ट्राइंगल को, आपको जितना छोटा बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसे डबल फोल्ड करके डोरी के बीच में रखते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और एक आप दूसरे कलर का बना सकते हैं तो इससे इसका लुक अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पर गोल्डन पैटर्न को रख दिया है, और यहाँ पर देखिए इसे आगे की तरफ से पक्का करना है, और डोरी की तरफ से भी आपको अच्छे से पक्का करना है। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के पास तक कट कर लेना है और पलट के नीचे की तरफ सीधा कर लेना है। दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरीके से रेडी करूँगी। और अब हम इसे अपने ब्लाउज़ पर अटैच कर देंगे। तो ऊपर गले के यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको डोरी को नीचे की तरफ रखना है और अच्छे से इसे पक्का कर देना है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसे अटैच करेंगे। तो ये ब्लाउज़ डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।